हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। इस टाइम मैं मौजूद हूँ नथिया गली के बाज़ार में, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है और दिसंबर का महीना है, लेकिन बर्फबारी का कोई नामो निशान नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्ट यहाँ कैसे आई, तो चलिए अपनी इस जर्नी का स्टार्ट करते हैं। हम इस्लामाबाद से मरी जा रहे हैं, लेकिन जीटी रोड से, क्योंकि हमारी जो डेस्टिनेशन है वो नथिया गली की है और जीटी रोड से हमें नथिया गली जो है वो थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा। और इसकी बड़ी वजह ये है कि हमें 3 से 4 बजे वहाँ चेक इन करना है, जो हमने गेस्ट हाउस बुक करवाया, लेकिन हम 12 बजे ही घर से निकले हैं, मतलब हम लेट होंगे ये तो कन्फर्म है। लेकिन देखना ये है कि अब हम कितना लेट होते हैं। वैली पार्क से गुजर रहे हैं, जो कि बिल्कुल लेफ्ट साइड पर है। नारायण कागान में पानी और मरी में ये शॉल्स और अम्ब्रेलास खूबसूरती में बहुत ज्यादा इजाफा करते हैं। अभी हम नंद कोर्ट से गुजर रहे हैं और नंद से मुझे अपनी नींद याद आ गई है। ये तो मजे का फनी सा नेम रखा हुआ, जैसे यहाँ पे सारी नंदे रहती हूँ। यहाँ से हम केपीके की हदूद में दाखिल हो रहे हैं। और ये केपीके में दाखिल होने के बाद यहाँ का पहला भुट्टा, और ये भुट्टा जो हमने वहां से लिया था वो इन्होंने हमें कच्चा दे दिया था, तो अब हम इसको दोबारा से करने के लिए आए हैं। केपीके इमरान खान और 2 नंबरी नाव। हम यहाँ पर वैसे ही रुके हैं, लेकिन अब जब कैमरामैन सामने आ जाए फिर तो हर किसी का दिल फोटोशूट करवाने के लिए मान ही जाता है ना, स्पेशली हम लड़कियों का। मरी में मंकीज की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इनसे बच के रहना भी चाहिए। बाज़ोकात आपकी विंडो से आप ही का भुट्टा खाते हुए ये खींच के भी ले जाते हैं और फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते। हम पहुंच गए हैं नथिया गली में और अब हम अपने गेस्ट हाउस की तरफ जा रहे हैं। पहुंच गए हैं अपने गेस्ट हाउस पे, लेकिन एज यूजुअल हम लेट हैं वो तो हम पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है ना। और ये वो रूम है जो हम लोगों ने अपने पास रखा है, और मैं आपको अब इसका पूरा व्यू दिखा देती हूँ। हमारा किचन है जहाँ पर हम खुद भी कुकिंग कर सकते हैं, और कुक भी यहाँ पर मौजूद है जिनसे हम करवा भी सकते हैं।
ये डाइनिंग टेबल जहाँ पर सुबह का नाश्ता होता है, और साथ डाइनिंग रूम। अगर आपका टीवी देखने या मूवी देखने का दिल है तो वो भी आप रूम से बाहर आकर भी देख सकते हैं। और ये हमारे गेस्ट हाउस के बाहर का व्यू। नथिया गली बाज़ार है, और जहाँ पर अभी रश नहीं है क्योंकि हम वर्किंग डेज में आए हैं, सिर्फ इस वजह से ताकि हम लोगों को रश कम मिले और मैं अपना व्लॉग अच्छे से बना सकूँ। माल रोड की तरह यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी कम हैं और शॉपिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा शॉप्स नहीं हैं, लेकिन अच्छा है, सुकून वाला माहौल है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर खाना खाने के बाद फिर मैं अपनी शॉपिंग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि हम लड़कियों ने करना ही क्या है, और अब शॉप सामने हो तो फिर हम लड़कियों से कहाँ रुका जाता है। जब बंदा खाने का वेट कर रहा हो और आधे घंटे से ऊपर हो गया हो टाइम। यहाँ की बेस्ट चिकन कढ़ाई है, हमने भी यही ऑर्डर किया। और अब होता है स्टार्ट शॉपिंग टाइम, एंड यहाँ नथिया गली पे चीजें महंगी नहीं है बिल्कुल भी। ठंड नो डाउट बहुत ज़्यादा है, लेकिन शॉपिंग करने का तो फिर मज़ा ही अपना है ना। यहाँ पर एक ये शॉप जहाँ से अभी मैंने शॉपिंग की है, और एक जो मेरी पीछे है वो शॉप, यही दो बड़ी शॉप्स हैं ज्वेलरी की। अब पीछे वाली देखते हैं कि कैसी है। लास्ट में फिर आते हुए हमें रास्ते में नजर आई थी, ठंड बहुत ज्यादा है, सो कॉफी पीते हैं हम यहाँ से।
उसके बाद फिर हम वापस अपने गेस्ट हाउस की तरफ जाएंगे। गेस्ट हाउस का अपना गैराज है जहां पर हम लोग इजीली अपनी गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। जो चाय के बहुत ज्यादा शौकीन हो वो रूम में आने के बाद भी पी लेते हैं अक्सर। ये था मेरा आज का दिन और उम्मीद करती हूँ कि मेरे साथ साथ आपको भी मजा आया होगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने निगहबान, अपना और दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुश रहिए और खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।